आत्मा यहाँ खड़ी होती है। जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है उसके पांव उल्टे होते हैं और ये चित्रगुप्त का काम करते हैं। ये लिंग भी कहीं नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल लिंग जो है प्रवेश करके बताया हुआ है। एक मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य 1,00,000 यूनि से कर जाता है, तो यहाँ 84 मंदिर है, 84,00,000 यूनि होगी। 84,00,000 यूनि भोगने के उपरंत मनुष्य यूनि का जन्म मिलता है, मरने के उपरंत लेखा जो का सारा चुकता ही नहीं आके करना पड़ता है। अज असी हिमाचल प्रदेश पिंड भरमौर च असी आए हैं। इतने बहुत ज़्यादा एक फेमस मंदिर है जिथे जिन्हों असी सारे कहने 84 मंदिर, इतने 84 मंदिर है एक ही जगह पर है। असी होर थोड़ी जी उन्होंने गल करते हैं, पंडित जी नाल गल करते हैं, तो सानू पंडित जी दसते हैं इस इतने जो 84 मंदिर है क्यों फेमस है। नमस्कार पंडित जी। पंडित क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम लक्ष्मण दत्त है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मेरे को तो 48 साल हो गए पूजा करते। 48 साल, हाँ। इससे पहले हमारे गुरु जी थे और मैं 84 मंदिर का मुखिया पुजारी हूँ। तो आप क्या पूछना चाहते हैं जो बताएंगे हमको, बताएंगे आपको। यहाँ पे ये जो 84 मंदिर है, मतलब कि हम जब से चंबे से चले हैं लोग कहते हैं कि यहाँ 84 मंदिर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी, जी, जी। इसमें क्या फेमस है 84 मंदिर? फेमस ऐसा कि ये देखो, ये अपने गेट से निकले हैं आप इधर, इस छोटे से कम्प्लेक्स में पूरे 84 मंदिर हैं। ठीक है, तो ये 84 मंदिर हैं। एक मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य 1,00,000 यूनि से कर जाता है, तो यहाँ 84 मंदिर हैं, 84,00,000 यूनि होगी। 84,00,000 यूनि भोगने के उपरंत मनुष्य यूनि का जन्म मिलता है, मरने के उपरंत लेखा जो का सारा चुकता ही आके करना पड़ता है। ये धर्मराज जी का मंदिर है, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। यहाँ 84 ब्रह्मपुर 84 मंदिर के साथ यहीं अटैच हुआ। बाहर चित्रगुप्त भगवान जी जंगला जैसा बना सामने, इसके अंदर आत्मा खड़ी होती है। जब हमारे शरीर से आत्मा निकली तो आत्मा वहाँ खड़ी होती है। यहाँ से फिर धर्मराज जी पूछते हैं कि बताओ इस आत्मा कितना पाप कितना पुण्य है। तो चित्रगुप्त जी बताते हैं कि हमारा इतना पाप और इतना पुण्य है। तो यहाँ फिर चार वेद हैं, चार दिशा बनी हुई है, चार दिशा के अंदर चार दरवाजे हैं। जैसा जैसा मेरी आत्मा ने कर्म किया उस कर्म के गति के अनुसार ही दरवाजा खुलता है, आत्माओं को प्रवेश करती है। जी एक बात और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मतलब कि इतना फेमस यहाँ सिर्फ हिमाचल के लोग आते हैं या कोई बाहर से आते हैं? पूरी कंट्री के लोग आते हैं, इवन अमेरिका से भी आते हैं। अच्छा जी। जो हमारे हिंदुस्तान के आदमी बाहर रहते हैं वो भी आते हैं, उनके साथ गेस्ट भी आते हैं, यहाँ मंदिर में सभी आके दर्शन मेला करते हैं। ये चित्रगुप्त का रूप है, तो ये बिना यूनि का शिवलिंग है। शिवलिंग के दर्शन जहाँ भी किए होंगे आपने, उसके साथ यूनि जरूर लगे रहती है। तो ये श्रृंगार करता स्वरूप है, ब्रह्मा सृष्टि रचाता है, विष्णु उसका पालन करता, शंकर उसका श्रृंगार करता है। और ये जो बनी कचहरी, ये बनी हुई अंदर में, ये आप देखिए गौर से, आत्मा यहाँ खड़ी होती है। जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है उसके पांव उल्टे होते हैं और ये चित्रगुप्त का काम करते हैं। ये लिंग भी कहीं नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल लिंग जो है प्रवेश करके बताया हुआ है। माता जी का गुप्त शरीर है और ये सृष्टि की रचना यहाँ से हुई है। इसके बीच में एक बतरनी नदी बह रही है जो अर्धगंगा से निकले, अर्धगंगा कुंड भी आप वहाँ जा कर देख लो, उस कुंड से जो बाहर पानी ओवर फ्लो के आया वो अर्धगंगा बतरनी नदी कहते हैं। जैसे हमारे सनातन में मनुष्य मरता उसको गुरुद्वान वगैरह कराते हैं, तो वो उससे पार करने के लिए। बाकी सामने कबीर जी का, ऊपर शीतला जी का, चौंडा जी का या माता जी का, ये नरसिंह भगवान का है। और साथ में ये लखना माता का मंदिर है, जिसे हम अपनी गद्दी लैंग्वेज में लखना माता कहते हैं, वैसे ये विधि माता है। हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिख दिया, तो वो माता जी का मंदिर विधि माता का, पर हमारी गद्दी लैंग्वेज में लखना माता।
यहाँ पे कोई ऐसा भी होता है जैसे कोई सालाना मेला या कुछ सालाना आप कोई कुछ करते हैं? जन्माष्टमी से लेके राधाअष्टमी तक हमारा अपना कल्चर वाला मेला होता है। कितने दिन होता है पंडित जी? वैसे मेला तो 7 दिन ही रहता है, जन्माष्टमी से आगे 7 दिन चलता है। उसके बाद जो है हमारी यात्रा जो मनमेश को चलती है वो 15 दिन के बाद चलती है। तो आना जाना 15-20 दिन का मेला रहता है ये साल के एक बार।